मेरे सभी साथियों को मेरा जोहार और हमारे इस YouTube चैनल मुंडी 75 व्लॉग पे आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने बगान में जो कि बिल्कुल बनेगांव थाना के सामने है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ बहुत कुछ लगाया है, जैसे कि अभी हम थोड़ी देर में आपको दिखाने वाले हैं। और हम लोग आए हैं फूफू के साथ कुछ सब्जियाँ लेने, कुछ पौष्टिक सब्जी लेने, क्या है कि बाज़ार तो बंद हो गया। तो अब फिलहाल हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग के अपने बगान है, हम लोग अपने बगीचे के ही खाते हैं। तो यही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, आदिवासियों को लॉकडाउन से उतना प्रॉब्लम नहीं हो सकता है जितना कि शहर वालों को, ज़्यादा प्रॉब्लम शहर वालों को है। फिलहाल हम लोग के लिए तो ठीक है, मगर हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, है ना। तो हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द ठीक हो। हम लोग आ गए हैं अपने बगान, देखिए फूफू तोड़ रही है जिसको हम लोग बोलते हैं भाजी साग, जो कि बहुत ही पौष्टिक सागों में से एक है। इसको हमेशा इसको अमृत के नाम भी बोला जाता है क्योंकि सागों में सबसे ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स से भरा हुआ है साग, भाजी साग जिसको बोलते हैं। मगर ये प्राकृतिक रूप से उगा है, इसको जंगली बोलेंगे देसी। और एक होता है जो बीजा से तैयार किया जाता है, तो वो उतना स्वाद नहीं होता है। जो जंगली होता है उसके पौधे में कांटे भी होते हैं, तो उसके जैसा स्वाद, उन दोनों के स्वाद में फ़र्क वही जानता है जो दोनों को टेस्ट कर चुका है। और मैं टेस्ट कर चुका हूँ यहाँ, तो दोनों में बहुत फ़र्क है टेस्ट का। ये इसमें कोई भी यूरिया या ऐसा कुछ भी नहीं डाला गया है, ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ है। तो ये टाइट भी है, ये दो दिन तक ऐसे ही रहेगा, मगर यूरिया वाला जल्दी ख़राब हो जाता है। चलिए भाई फूफू उधर उधर, अब करेला बोल रहे थे बस हो गया, आड़ा दो ही मिनट जा, जाइए जाइए उधर इधर करेला तरफ आइए। ये हमारे टमाटर हैं, देखिए जो तैयार होने को हैं, मगर अगर लॉकडाउन बढ़ा तो ये टमाटर लोग यहीं से ले जाएंगे, तो बाजार तक नहीं भी पहुंचेगा, तो सब लोग जानते हैं क्या लगाया हुआ है। देख सकते हैं इतने बड़े बड़े टमाटर रेडी है। ये है गांव की लाइफ, गांव की लाइफ में आपको सब कुछ अपने, ये प्याज हैं जो बड़े बड़े हो गए हैं, इनके फूल बढ़ गए हैं, इसके साथ सब्जी नहीं खाएंगे हम लोग, इसके प्याज जो इसका कंद है उसको खाया जाएगा। ये हमारी बीन्स हैं, नेक्स्ट सब्जी बीन्स ही बोलते हैं ना पुप्पू, बीन की तंगने बीन्स। और ये हमारी चाची जो तोड़ रही है, और ये है जो हम लोग तोड़ने आए हैं करेला। बाबू की फूफू की तबीयत खराब थी तो बोली करेला तोड़ना है, करेला खाने मन है, तो हम लोग करेला लेने आए हैं। देखिए ये देखिए करेला, यहाँ से लेके वहाँ तक, जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है वहाँ करेला लगा हुआ है। तो हम लोग को घर बाजार जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग को सब कुछ अपने ही बगीचे से मिल जाएगा। देखिए यहाँ करेला अच्छा अच्छा इधर आके तोड़िए, ठीक है, जैसे कि हम लोग एक तोड़ते हैं ये देखिए, और जाके आप सीधा पकाइए, यानी कि विद इन कुछ आवर्स आपको फ्रेश सब्जी आपके बगीचे से आपकी प्लेट में होगी। इससे ज़्यादा फ्रेश और क्या है। इसीलिए हमारे आदिवासी भाइयों का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, क्योंकि वो लोग हमेशा फ्रेश और प्योर ऑर्गेनिक, इसमें कोई भी खाद नहीं है, सिर्फ इसमें गोबर खाद यूज़ की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ गोबर जमा किया जाता है और मुर्गियों की बीट, और उससे ही जो खाद है उसी से ये सारा प्रोडक्शन है। तो हम लोग आदिवासी लोग कोई भी यूरिया कोई भी ऐसा कुछ नहीं खाते, ये सारा जो भी हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा इसको एक्चुअली मुंडा में सारा भी बोला जाता है खाद को। तो ये हम लोग कर रहे हैं आपके गोबर से, ये गोबर खाद का है सारा प्रोडक्शन। वो देखिए कैसे बनाए हैं हम लोग, तो हम लोग इसके बीज से निकलेंगे, कुंभा बनाई है चाची लोग, वाह करेला ही करेला दिखेगा आपको सब तरफ, ये देखिए वाह क्या चीज, नहीं समझे, मिर्चा तो पता नहीं मगर हाँ उसको वाह, ये देखिए उप्पू पूरी मस्ती मार रही है यहाँ, एक से फ्रूट ज्यादा नहीं है, नहीं जा ये चाची गोटा कटा, वो तो चाची बुचका कर, देखिए एक ही पौधे में कम से कम 1.5 से 2 किलो टमाटर, कितना अच्छा हुआ है। ऐसे ही टमाटर के पौधे उधर आगे तैयार होने को है कुछ फल, हाँ वो देखिए चाची बुला रही है, वो गोप किया है, आइए हो गया बहुत है, ताजा ताजा तोड़ के खाओ, क्या जरूरी है उसको करना। ये तो चाचा आ गए, का का नेत्र दने ना दो का एटी अखना का चीनते दो नहीं ना दो चाबा चटे जना। ये है मेरे चाचा,
नया को तो अन ये को बीट। ये है मेरी चाची जो मेरे लिए इतना सारा करेला तोड़ी है। नया तो ले लें पुपुची मिन गोटा कटाए नहीं मारो मार के नहीं आता था लमना दो दो दो। तो यही है हम लोग की आदिवासी लोग की जिंदगी, जिसको कि बाजार पे हम लोग डिपेंड नहीं है। हम लोग के अपने बागान है तो हम लोग को सब कुछ यहीं से मिल जाता है, तो जरूरत ही नहीं है क्यों चाचा। और एकदम हम लोग ऑर्गेनिक कची एकदम वाले गुरी सरा आगे जो हमारे, अरे मतलब कोई यूरिया कोई डीएपी ना को पूरा का आगे ना कोई रानू मतलब कीड़े मारने की दवा भी नहीं कची। मूसा मूसा कची जब इनका ले लो अची मतलब बगड़ा ओपन का यानी जब लगता है कि कीड़े कंट्रोल नहीं हो रहे उस समय खाली अच्छा हल्का सा ना ठीक है। अच्छा मतलब कि जिस समय हम लोग को लगता है कि कीड़े खाना शुरू कर दिए हैं और लगता है कि अब रुकना थोड़ा मतलब आगे बढ़ ना जाए तो सिर्फ उस समय आप हल्का सा स्प्रे किया जाता है। मगर वो भी हम लोग जैसे कि नीम का तेल और ऐसी बहुत सी दवा है ऑर्गेनिक जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। चिना चियान एक बार यूज कर लेना एना के असर है जो सीधे से खत्म हो गया है। तो इसी का फुफू ये देख सकते हैं कि कोल बट्टा जो बचा हुआ उसको तोड़ दिया हल्का फुल्का, फिर वहाँ भी तोड़ा हुआ है जिसको कि चाची बोले कि उसको लेते जाइए। हाँ तो जेटी का मार है ना वैसे एकदम। हाँ कच्चा सलाद के साथ खाने में जो मजा है ना, और बसी मंडी लो तो वैसे ही सिविल कच्ची बसी बात के साथ तो जो उसका स्वाद है ओहो हो। अच्छा एना मगर ना कुछ दिन में ना कच्ची ना तो पेटो अखन गे सारती गे एना केटे केटे टाइट टाइट के ताई ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर मोराई इसको बोलेंगे मूली भी लगाया हुआ है पूरा तो कागे काका फेरे ने नया को मिना अड़ो एना बेकार को सो हुआ। अच्छा अड़ो करेला को दंग इना को दंग नाते काची गापा को जुआन इम तंग तो देबो। देखिए ये हाँ इस एना तो है गे गोबर सारा का है जो तीन चार दिन तो आराम से टिक जाता है काची देख सकते हैं। ये मोराई है और एक टमाटर है जो बाद में लगाए गए, ये होगा तैयार अभी कम से कम लगभग एक महीना होते होते लोग भी फलने लगेगा। तो ऐसे ही है आप धीरे कुछ कुछ टाइम का गैप देते हुए आप इसको अगला जगह थोड़ा थोड़ा जगह लगाते जाइएगा तो बहुत बड़ा बागान लगेगा। देखिए हम लोग का इतना बड़ा बागान में हम लोग को सब्जी का कमी नहीं होता है, हम हर चीज़ लगाते हैं देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस मैं आप लोग को यही दिखाना चाहता था कि हमारी कितनी मस्ती है। तो लॉकडाउन में हमें खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं, और आदिवासी का खान पान शहर वालों से कहीं गुना अच्छा है। जिसे कहते हैं कि उसको फ्रेश फूड मिलता है, जबकि शहर वालों की तो मजबूरी है उनको जो मिलता है दुकानों के भरोसे रहना पड़ता है, जबकि हम लोग दुकानों के भरोसे नहीं हैं। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ कि आदिवासी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होने का रीज़न ही यही है कि वो एकदम देसी खाना जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक नेचुरल तरीके से उगाया हुआ उसी को खाते हैं, प्लस उसके साथ साथ ऐसी खुली हवा खुली जगह में रहते हैं जो कि शहर में हम लोग को नहीं मिल पाता है। फ्रेंड्स फिलहाल जो हम लोग आए थे अपने चाचा के जगह आए थे और जो कि हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ कि हम लोग अपना बागान में आए हैं जहाँ कि हम लोग भी बाजार गए थे। तो आज शनिवार है तो हम लोग को लगा शायद थोड़ा बहुत बाजार लगेगा पर नहीं लगा, तो फिर हम लोग अपने बागान से ही चाचा के पास आए और यहाँ हम लोग टमाटर मिल गया जो कि हमारी बेसिक सब्जी है, मूली मिल गया और साथ के साथ हम लोग को करेला मिल गया, करेला के साथ भाजी साग मिल गया और फिर अभी दो चार सब्जियाँ और है बीन है वो हम लोग ने नहीं ली क्योंकि कितना सब्जी लगाएंगे। तो फ्रेश खाने के आया था तो मेरा घर से 500 मीटर की दूरी में, हम जब मर्जी आके इधर ही आते हैं डेली फार्म, हम लोग का फार्म उस साइड पीछे ही है हम लोग का फार्म, तो हम लोग वहाँ से आके कभी भी यहाँ ले सकते हैं। तो हम लोग तो अचानक से आए तो चाचा लोग बोला नहीं नहीं ये भी लेके जाओ वो भी लेके जाओ सब चीज़ एक एक करके दे रहा है, तो हम लोग ही मना किए अभी प्रभु के साथ कि नहीं 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 अभी इतना नहीं लेके जाएंगे, हाँ धनिया लीजिएगा टमाटर चटनी के लिए। तो चलिए फ्रेंड हम लोग थोड़ा सा धनिया तोड़ लेते हैं और आज की अभी की वीडियो इतना ही, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और फिलहाल आगे भी बहुत कुछ कंटेंट डालना है। तो मिलेंगे हम लोग कल सुबह हम लोग कुछ फ्रेश चीज़ करेंगे। देखिए अभी हम लोग तोड़ रहे हैं
हम लोग तोड़ रहे हैं फ्रेश। ये देखिए, ये है फ्रेश धनिया। ओहो हो, इसकी स्मेल बहुत ही मस्त। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट वीडियो में।